हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स जो कि क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं एसएसटी के। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहां पे आपको पोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि आपको मैथ जो होता है लगभग हमारा 5 या 6 नंबर का आपका जरूर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख लीजिए, आप कैसे कहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैप आपका एक ब्लैंक दिया जाएगा, उसमें आपको मार्क करना रहेगा और कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कौन सा आपका मतलब कहाँ से आपका आयरन मतलब इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कांडला जो है आपका कहाँ पे, गुजरात में, मुंबई जो कि JNPT बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। उसके बाद पणजी में मार्मुगाव जो है जो कि गोवा में है, और उसके बाद मंगलोर जो है आपका ये कर्नाटका में पड़ता है और ये थोड़ा सा केरला के बॉर्डर के पास पड़ता है। वहीं कोचीन की बात करते हैं तो कोचीन आपका यहाँ पे केरला साइड में, कहाँ पे ये केरला है, कहाँ पे ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये क्या है, केरला। उसके बाद है आपका तूतीकोरिन, आपका कहाँ पड़ता है, तो तूतीकोरिन आपका चेन्नई पोर्ट पड़ता है, और यहाँ पे आपका ये तूतीकोरिन और यहाँ पर चेन्नई दोनों पोर्ट्स हैं। और यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आपका कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वही पारादीप है जो आपका उड़ीसा में है, और कोलकाता में हल्दिया पड़ता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहे इधर। फिर हम लोग मेजर राइस ग्रोइंग एरिया की बात करते हैं, तो ये आपका फिलहाल एग्रीकल्चर 1 नंबर का है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आपका राइस है ग्रोइंग, मतलब एक ग्रोइंग एरिया है, तो ये आपका राइस जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु एरिया में आपका देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेन यहाँ पे आपका, देखिए मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जूट, कॉटन, रबड़, शुगर केन, टी, कॉफ़ी। तो यहाँ पे भी आपका जूट जो है, यहाँ आप देख लीजिए सिंबल के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जूट जो है आपका ट्राइंगल के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉटन जो है स्टार से, और हम लोग रबड़ जो है एक सर्कल से, और एक पेंटागॉन से हम लोग शुगर केन, और टी हम लोग जो है एक ऑक्टेव मतलब कि टी जो है एक देखिए जैसे इसको ओवल शेप से होता है, और यहाँ पे कॉफ़ी जो है आपको हम रेक्टेंगल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका कुछ एरिया है आपको रिप्रेजेंट करना है। अब हम बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डैम्स, जो कि आपका वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर का है, तो इम्पॉर्टेंट डैम्स को हम लोग ज़्यादातर देख लेते हैं। चूँकि पहले हम बात करते हैं सलाल परियोजना, फिर आपका जब भाखड़ा नागल डैम बोलेगा तो भाखड़ा नागल डैम आपका ये दोनों के बॉर्डर पर, ये कौन सा एरिया है, ये आपका है, ये जो एरिया मैं टिक कर रहा हूँ ये आपका क्या है, हरियाणा है, और इधर आपका है पंजाब, और पंजाब और इधर आपका है हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बॉर्डर पे जो बड़ा है भाखड़ा नागल बना है, और नाथपा झाकरी डैम जो है आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के, वहीं राणा प्रताप जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इंदिरा सागर डैम ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सरदार सरोवर जो आपका है ये आपका सरदार सरोवर जो आपका है ये गुजरात में पड़ता है, और तीसरा आपका कोयना डैम ये आपका मुंबई में है, और तुंगभद्रा जो है आपका कर्नाटका में, नागार्जुन सागर डैम ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश और उसके बॉर्डर पे पड़ता है, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। वहीं हीराकुंड डैम देखें तो काफ़ी बड़ा महानदी में बना हुआ है, और ये उड़ीसा में आपका है, और यहाँ पे एक इदुक्की डैम है जो कि केरला साइड में है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट डैम है जो आपको देखना है। तो आप वाटर में जब जाएंगे तो वाटर वाटर चैप्टर में वाटर एंड रिसोर्स जो कि अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर मार्क्स इससे आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे मेजर सॉइल टाइप्स देख लेते हैं, तो सॉइल टाइप्स भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट एक बार आप देख सकते हैं कौन से कहाँ सॉइल होता है। तो हमने अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट करके रखा है, तो उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप हिस्ट्री का ही पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे नेशनल इंडिया में जो नेशनलिज्म होता है तो मूवमेंट कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था, तो वो इंसिडेंट आपका यहाँ पे दिया होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे चौरी चौरा कहाँ पे हुआ था, तो वो चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। यहाँ जो चंपारण है आपका बिहार में है, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या है, चौरी चौरा जो आपका गोरखपुर, फिर आपका है डांडी जो है यहाँ पे आपका गुजरात में, और उसके बाद आपका है बारडोली जो है ये भी गुजरात में है, और यहाँ पे जो पीजेंट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो गांधी जी ने 1916 के टाइम पे मतलब चलाया था, 1916 के बाद मतलब 17 के आसपास, अहमदाबाद जो मिल वर्कर थे ये भी इसी गुजरात में ही थे।
अब वहाँ पर मेन चीज़ देखते हैं जलियांवाला बाग हमारा कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर हुआ था। अमृतसर किस स्टेट में है, कहाँ पर पंजाब में है। फिर इसका डांडी मार्च भी आपका क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थे जहाँ पे हम लोग का मतलब कि जो फेमस जगह थे, मतलब कि यहाँ पे ये सारे इंसिडेंट हुए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। तो लाहौर आपका यहाँ पे है पाकिस्तान में, और कलकत्ता सेशन अगर पूछेगा तो आपका यहाँ पे, नागपुर सेशन यहाँ पे। तो ये तीन जगह हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के बेस पे। तो इतना ही फिलहाल इस मैप में, इतना ही फिलहाल। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।